छात्रों, हमारे देश को आज़ादी दिलाने के लिए बहुत सारे सेनानियों ने अपनी जान का बलिदान दिया है। तो देखिए, आज भी हम एक ऐसे ही सेनानी के बारे में जानेंगे इस कविता के द्वारा, जिसका नाम है खूनी हस्ताक्षर। कविता का नाम है खूनी हस्ताक्षर और इसके कवि हैं गोपाल प्रसाद व्यास। देखिए, स्वतंत्रता पाने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ा, क्या सेनानियों को अपनी जान का बलिदान देना भी पड़ा। इतनी आसानी से हमें यह स्वतंत्रता नहीं मिली है, तो इसके लिए बहुत प्रयास करना पड़ा। तो देखिए, इस कविता के द्वारा सुभाष चंद्र बोस लोगों को प्रेरित करने के लिए, लोगों को देशभक्ति के लिए प्रेरित करने के लिए क्या क्या करते हैं, इस कविता के द्वारा हम जानेंगे। तो कविता का नाम है खूनी हस्ताक्षर और इसको लिखा है गोपाल प्रसाद व्यास। देखते हैं इस कविता के बारे में। पाठ क्रमांक 7, खूनी हस्ताक्षर। भारत को स्वतंत्रता दिलाने के लिए देशभक्तों ने अपना तन मन धन सब कुछ न्यौछावर कर दिया। मतलब क्या किया, अपने जान तक लगाई, अपना तन मन धन सब कुछ देश के लिए अर्पित किया। सुभाष चंद्र बोस एक ऐसे ही देशभक्त थे। सुभाष चंद्र बोस जो है वो ऐसे ही एक सेनानी थे, देशभक्त थे। उन्होंने अनेक देशभक्तों को एकजुट कर अंग्रेजी सरकार की जड़ें हिला दी थी। इस कविता में उनके राष्ट्रीय भाव की एक वानगी देखी, किस तरह से उन्होंने लोगों को देशभक्ति के लिए प्रेरित किया, इस कविता के द्वारा हम जानेंगे। तो देखिए इस कविता का स्पष्टीकरण। उस दिन लोगों ने सही सही खून की कीमत पहचानी थी, जिस दिन सुभाष ने बर्मा में मांगी उनसे कुर्बानी थी। देखिए, उस दिन लोगों ने सही सही खून की कीमत पहचानी थी। अब खून यानी क्या, खून का मतलब है खून। खून का मतलब क्या है, खून। तो देखो, लोगों ने अपने खून की कीमत सही सही पहचानी थी उस दिन, जिस दिन सुभाष ने बर्मा में मांगी उनसे कुर्बानी थी। कुर्बानी का मतलब क्या है, देखिए, कुर्बानी मतलब बलिदान। लोगों से उनके जान की कुर्बानी मांगी थी, उनको अपने देश के लिए कुर्बान होने के लिए कहा था सुभाष जी ने, सुभाष चंद्र बोस जी ने। देखिए, उस दिन लोगों ने सही सही खून की कीमत पहचानी थी, अपने खून की कीमत क्या है इसकी पहचान उन लोगों को हुई थी। तो म्यांमार में या बर्मा में मांगी उनसे कुर्बानी थी, एक सभा आयोजित की थी और उस सभा में लोगों को इकट्ठा करके उन्होंने एक संदेश दिया था, एक उनको आह्वान किया था कि तुम अपने देश के लिए कुर्बान हो जाओ। आज़ादी ऐसे ही नहीं मिलेगी, स्वतंत्रता हमें चाहिए तो ऐसे ही नहीं मिलने वाली है, उसके लिए हमें क्या करना होगा, अपनी जान का बलिदान देना होगा। इसीलिए उन्होंने कुर्बानी मांगी थी, बलिदान मांगा था। बोले, स्वतंत्रता की खातिर बलिदान तुम्हें करना होगा, स्वतंत्रता की खातिर बलिदान तुम्हें करना होगा। तुम बहुत जीत चुके हो जग में, लेकिन आगे मरना होगा। देखिए, सुभाष जी बोले, स्वतंत्रता की खातिर जो हमें स्वतंत्रता चाहिए, स्वतंत्रता की खातिर तुम्हें बलिदान देना होगा। बलिदान कुर्बानी, तुम्हें क्या करना होगा, अपने जान की कुर्बानी देनी होगी, बलिदान करना होगा। तुम बहुत जी चुके हो जग में, लेकिन आगे मरना होगा। अब तक तुमने जो जीवन जिया है वो बहुत जी चुके हो। जो हमारे ऊपर अंग्रेज राज्य कर रहे हैं, हमें गुलामी में रख रहे हैं, हमें इससे स्वतंत्रता चाहिए, तो हमें क्या करना होगा, हमें अपनी जान का बलिदान देना होगा, अपने प्राणों का बलिदान देना होगा। तो ऐसे ही स्वतंत्रता मिलने वाली नहीं है। आज तक तुमने जो जिया वो बहुत हो चुका, अब तुम्हें आगे मरना होगा, अपने देश के लिए मरना होगा, तो बलिदान करने के लिए तुम तैयार हो जाओ, ऐसे सुभाष जी कह रहे हैं। बोले, स्वतंत्रता की खातिर बलिदान तुम्हें करना होगा, तुम बहुत जी चुके हो जग में, लेकिन आगे मरना होगा। यूं कहते कहते वक्ता की आंखों में खून उतर आया, मुख रक्त वर्ण हो चमक उठा, दम की उनकी रक्तिम काया। देखिए,
ऐसे कहते कहते लोगों से उनके बलिदान मांगना है, कुर्बानी मांगनी है, उनकी जान मांगनी है। तो ऐसे में उनको भी क्या अच्छा नहीं लग रहा था, उनको भी दुख हो रहा था कि मैं जो मांग रहा हूँ वो देने के लिए लोग तैयार भी हो रहे हैं। तो इससे यूं कहते कहते जब वो मांग रहे थे तब उनकी काया जो है उनका यूं कहते कहते वक्ता की आंखों में खून उतर आया, उनकी आंखों में खून उतर आया, मुख रक्त वर्ण हो दमक उठा। रक्त वर्ण का मतलब क्या है देखिए, रक्त वर्ण यानी लाल रंग, उनका मुख जो है लाल रंग की तरह दिखने लगा। मुख रक्त वर्ण हो दमक उठा, उनका जो मुख है वो लाल हो गया। दम की उनकी रक्तिम काया, रक्तिम याने देखिए रक्तिम का अर्थ है लालिमा लिए हुए। पूरा जो शरीर है उनका वो रक्त से लाल दिखाई देने लगा, यूं कहते कहते वक्ता की आंखों में खून उतर आया, मुख रक्त वर्ण हो दमक उठा, दम की उनकी रक्तिम काया, लालिमा लिए हुए उनका जो उनकी पूरा देह है वो लाल नजर आ रहा था, रक्त की तरह लाल। रक्त कैसे होता है, लाल रंग का होता है ना, तो उसी तरह उनका पूरा शरीर लाल दिखाई देने लगा। क्या कहते गए थे कि इस स्वतंत्रता के लिए आपको बलिदान करना होगा, बहुत जी चुके हो, आगे तुम्हें मरना होगा। ये सब कहते कहते उनकी आंखें भी लाल हो गई थी। आजानु बाहु ऊंची करके वे बोले रक्त मुझे देना, इसके बदले में भारत की आजादी तुम मुझसे लेना। सुभाष चंद्र बोस जी का एक वाक्य आपको पता होगा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, पता है आपको। तो वैसे ही आजानु बाहु ऊंची करके वे बोले रक्त मुझे देना। आजानु बाहु का मतलब देखिए, आजानु बाहु यानी घुटनों तक लंबी भुजाएं, घुटनों तक लंबी भुजाएं। देखिए अपनी दोनों हाथ ऊपर करके वो बोले, वे बोले रक्त मुझे देना, वे यानी कौन, सुभाष जी, सुभाष चंद्र बोस, वो बोले कि रक्त मुझे देना, इसके बदले में भारत की आजादी तुम मुझसे लेना। इसके बदले में मैं क्या दूंगा आपको, भारत की आजादी। भारत के लोग जो अंग्रेजों के शासन के नीचे दबे हुए थे, अंग्रेजों के गुलाम थे, उनको स्वतंत्रता दिलानी है और उनको स्वतंत्र करके यह भारत पर हमारा, भारत किसका देश है, हमारा देश है, अंग्रेजों का नहीं था पर अंग्रेज हमारे ऊपर शासन कर रहे थे, उनको हटाने के लिए, उनसे आजादी पाने के लिए सुभाष जी यहाँ पर संघर्ष कर रहे थे। आजानु बाहु ऊंची करके वे बोले रक्त मुझे देना, इसके बदले में भारत की आजादी तुम मुझसे लेना। रक्त मुझे देना यानी क्या, वो स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे थे, सभी लोगों को इकट्ठा कर रहे थे और सिर्फ सुभाष चंद्र जी आजादी दिला सकते थे क्या, नहीं, इसके लिए पूरे देश का सहयोग उनको चाहिए था, इसीलिए वो हर एक का सहयोग मांग रहे थे, हर एक को देशभक्ति के लिए प्रेरित कर रहे थे। तो इसीलिए वो बोल रहे थे कि रक्त मुझे देना, इसके बदले में भारत की आजादी तुम मुझसे लेना। इसके रक्त के बदले में क्या देना चाहते हैं, भारत की आजादी। उनका एक वाक्य पता है आपको, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, यह उनका वाक्य है। देखिए हम देंगे खून, उनकी बातें सुनकर हम देंगे खून, शब्द बस यही सुनाई देते थे, रण में जाने को युवक खड़े तैयार दिखाई देते थे। देखिए रण का मतलब क्या है, रण का मतलब है युद्ध, रण यानी युद्ध, वो श्रोता है, सभी को आह्वान कर रहे हैं कि आप स्वतंत्रता पाने के लिए तैयार हो जाओ, अंग्रेजों से लड़ने के लिए तैयार हो जाओ, इसके लिए रक्त बहाने के लिए तैयार हो जाओ। तभी सारी जनता जो उनके सामने खड़ी है वो क्या बोलती है, देखिए हम देंगे खून, शब्द बस यही सुनाई देते थे, रण में जाने को युवक खड़े तैयार दिखाई देते थे। देखिए जो युवक है यहाँ पर, वो युवा रण में जाने के लिए तैयार है, इस युद्ध में उतरने के लिए तैयार है, वो बोल रहे हैं कि हम देंगे खून, यह शब्द ही वहां पर सुनाई दे रहे हैं। तो देखिए सभी को आजादी चाहिए,
सभी को स्वतंत्रता चाहिए, यह गुलामी नहीं चाहिए, इसलिए सभी उस रण में उतरने के लिए तैयार है, जाने के लिए तैयार दिखाई दे रहे हैं। और वो बोल रहे हैं कि हम देंगे, खून हम देंगे, ऐसे वो बोल रहे हैं। तभी देखिए, बोले सुभाष इस तरह नहीं, बातों से मतलब सरता है। लो यह कागज है, कौन यहाँ आकर हस्ताक्षर करता है? तो देखिए, यहाँ पर सरता का मतलब है हल होना, सरता यानी हल होना। बोले सुभाष इस तरह नहीं, जैसे कि बोल रहे हैं कि हम देंगे खून, हम देंगे खून, जनता बोल रही है, सामने वाले युवक जो है वो बोल रहे हैं कि हम देंगे खून, स्वतंत्रता के लिए हम इस लड़ाई में हिस्सा लेंगे, हम इस युद्ध में उतरेंगे, हम खून देंगे। तो ऐसे नहीं, सुभाष जी बोले कि ऐसे नहीं, बातों से मतलब सरता है, सिर्फ बातें करने से कुछ काम होने वाला नहीं है, तो इसके लिए कुछ सबूत जरूरी है, सबूत चाहिए, है ना। तो लो यह कागज है, कौन यहाँ आकर हस्ताक्षर करता है? तो सुभाष जी ने एक कागज देते हुए बोले कि लो यह कागज, कौन यहाँ आकर हस्ताक्षर करता है? हस्ताक्षर का मतलब क्या है? सही, स्वाक्षरी, अपनी स्वाक्षरी आकर यहाँ पर करो, इस कागज पर अपनी स्वाक्षरी करो, और ये कागज सबूत के तौर पर हम रखेंगे कि कौन कौन बोला था, किसने किसने यहाँ पर स्वाक्षरी की, वह रन में जाने के लिए तैयार हैं। ऐसे सुभाष जी बोले कि सिर्फ बातें करने से कुछ हासिल होने वाला नहीं है, इसलिए स्वाक्षरी करो, यहाँ पर हस्ताक्षर करो। तब देखिए क्या होता है, सारी जनता हुंकार उठी, हम आते हैं, हम आते हैं, माता के चरणों में यह लो हम अपना रक्त चढ़ाते हैं। हुंकार का मतलब देखिए, हुंकार यानी हल्का गर्जना, हुंकार यानी हल्का गर्जना। सारी जनता हुंकार उठी, हम आते हैं, माता के चरणों में यह लो हम अपना रक्त चढ़ाते हैं। देखिए माता यहाँ पर कौन है? भारत माता, भारत माता। तो सारी जनता हुंकार उठी, जनता की ललकार और गर्जना इतनी उठी कि हम आते हैं, हम आते हैं, इस रण में उतरने के लिए, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए, स्वतंत्रता पाने के लिए हम इस रण में उतरने के लिए तैयार है, हम आते हैं, हम आते हैं, ऐसी हुंकार उस जनता में उठी। माता के चरणों में यह लो हम अपना रक्त चढ़ाते हैं, भारत माता को आज़ादी दिलाने के लिए, पूरे देश की जनता को आज़ादी दिलाने के लिए हम क्या करेंगे, अपना रक्त बहाने के लिए तैयार है, हम रक्त चढ़ाएंगे। साहस से बड़े युवक उस दिन देखा बढ़ते ही जाते थे, चाकू छुरी कटारियों से अपना रक्त गिराते थे। देखिए साहस, साहस का मतलब है हिम्मत, साहस यानी क्या? हिम्मत। तो इतना साहस उन लोगों में आया था कि हमें सुभाष जी की बातें सुनकर हम प्रेरित हो गए हैं, देशभक्ति के लिए हम प्रेरित हो गए, और प्रेरित होकर इतना साहस आ गया था उनमें कि वो अपना रक्त बहाने के लिए भी तैयार हो गए थे, अपनी जान का बलिदान देने के लिए तैयार हो गए थे, प्राणों का बलिदान करने के लिए वो तैयार हो रहे थे। साहस से बड़े युवक उस दिन देखा बढ़ते ही जाते थे, चाकू छुरी कटारियों से अपना रक्त गिराते थे। जो कुछ उनके हाथ में लगे उनसे अपना रक्त बहाकर वो क्या करते थे कि बता रहे थे कि हम भी इस रण में उतरने के लिए तैयार हैं, हम स्वतंत्रता पाने के लिए तैयार हैं। साहस से बड़े युवक उस दिन देखा बढ़ते ही जाते थे, आगे आगे बढ़ रहे थे, आगे बढ़ रहे थे कि हमें इस संग्राम में आना है, हमें इस संघर्ष में उतरना है, अंग्रेजों के खिलाफ हमें भी लड़ना है। ऐसे यह जो युवक है वो साहस से भरे हुए थे, और ऐसे युवक चाकू छुरी कटारियों से अपना रक्त गिरा रहे थे। देखिए जब बोले सुभाष जी कि यहाँ आकर स्वाक्षरी करो, तो हर एक आगे आकर स्वाक्षरी करने के लिए तैयार हो रहा था, वो बोल रहे थे कि हम रक्त बहाने के लिए तैयार है, हम स्वाक्षरी करने के लिए तैयार है, इस स्वतंत्रता संग्राम में उतरने के लिए हम तैयार हैं। तो सभी चाकू छुरी कटारियों से अपना रक्त गिराते थे, फिर उसी रक्त की स्याही में वे अपनी कलम डुबोते थे, आजादी के परवाने पर हस्ताक्षर करते जाते थे। देखिए यहाँ परवाने यानी क्या,
परवाना यानी पत्र, आज्ञा पत्र। परवाना का मतलब है पत्र, आज्ञा पत्र। तो यहाँ पर फिर उसी रक्त की स्याही में हमने पहले देखा कि सभी युवक जो वहाँ की जनता है वो इस संग्राम में हिस्सा लेने के लिए, अपना रक्त बहाने के लिए तैयार हैं और चाकू छुरी कटारियों से उन्होंने अपना रक्त बहाया है, रक्त गिराया है। तो फिर उसी रक्त की स्याही में वे अपनी कलम डुबोते थे, कलम लिखने का साधन या पेन उसे हम कहेंगे। फिर उसी रक्त की स्याही में उस कागज पर लिखने के लिए जो चाहिए ना साधन या फिर माध्यम कोई भी हो, पेन जिसे हम कहेंगे, फिर उसी रक्त की स्याही में वे अपनी कलम डुबोते थे, फिर अपनी कलम डुबोते थे, आजादी के परवाने पर हस्ताक्षर करते जाते थे। परवाना यानी जो पत्र सुभाष चंद्र जी ने उनके सामने रखा, आज्ञा पत्र उनके सामने जो रखा है कि इस संग्राम में कौन कौन हिस्सा लेंगे, कौन कौन अपना बलिदान करने के लिए तैयार है। तो सभी लोग क्या किया, उन्होंने चाकू छुरी कटारियों से अपना रक्त गिराया, फिर उसी रक्त की स्याही में, स्याही दूसरी लेकर नहीं आए, नीली स्याही जो होती है वो नहीं लेकर आए वहां पर, उसी रक्त में, अपने रक्त में उन्होंने कलम डुबोया और देखिए क्या किया, आजादी के परवाने पर हस्ताक्षर करते जाते थे। जो आज्ञा पत्र उनके सामने रखा गया उसके ऊपर उन्होंने अपना हस्ताक्षर किया कि हम भी यहाँ इस संग्राम में शामिल हैं, रक्त बहाने के लिए तैयार हैं, आजादी पाने के लिए तैयार हैं। फिर उसी रक्त की स्याही में वे अपनी कलम डुबोते थे, आजादी के परवाने पर हस्ताक्षर करते जाते थे। उस दिन तारों ने देखा था हिंदुस्तानी विश्वास नया, जब लिखा था रणवीरों ने उसे अपना इतिहास नया। देखिए यहाँ पर जो आसमान के तारे हैं उन्होंने यह सब देखा था कि यह जो रणवीर हैं, जो रणवीर का मतलब क्या है, रणवीर यानी योद्धा, यह जो योद्धा है संग्राम करने के लिए तैयार हो गए, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार हो गए हैं, वो कैसे एक एक करके यहाँ पर आकर स्वाक्षरी कर रहे हैं, और स्वाक्षरी भी कैसे कर रहे हैं, अपने रक्त की स्याही से, रक्त की स्याही से, स्याही में कलम डुबोकर वो उस आज्ञा पत्र पर स्वाक्षरी कर रहे हैं, हस्ताक्षर कर रहे हैं। ये सब कौन देख रहा है, आसमान में जो तारे हैं वो देख रहे हैं। उस दिन तारों ने देखा था हिंदुस्तानी विश्वास नया, जब लिखा था रणवीरों ने उसे अपना इतिहास नया, खून से अपना इतिहास नया, अपने खून से उन्होंने जो यह इतिहास लिखा था, जो अपने खून से उन्होंने जो हस्ताक्षर किए थे, हस्ताक्षर किस लिए किए थे, क्योंकि उनको इस संग्राम में शामिल होना था, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए उनको तैयार होना था, इस युद्ध में उतरना था, इसलिए यह आज्ञा पत्र सुभाष जी ने उनके सामने रखा था और इसके ऊपर उन्होंने हस्ताक्षर करने के लिए कहा था। और देखो ये सब देखने वाले कौन है, आसमान के तारे, उन्होंने यह सब देखा था कि हिंदुस्तान के लोगों में इतना विश्वास आया है, वह विश्वास इन लोगों ने, इन तारों ने देखा था, आसमान के जो तारे है इन्होंने देखा था। तो गोपाल प्रसाद व्यास, इन्होंने यह बहुत ही अच्छी कविता लिखी है जो देशभक्ति के लिए सुभाष चंद्र बोस जी ने किस तरह से लोगों को प्रेरित किया है इसके बारे में यहाँ पर वर्णन है इस कविता के द्वारा है। यहाँ पर मातृभूमि के लिए, मातृभूमि के प्रति समर्पण का भाव दिखाई दे रहा है लोगों के मन में, जो मातृभूमि के प्रति समर्पण, अपने जान का बलिदान देने का जो भाव उत्पन्न हो गया है, निर्माण हो गया है, उसको यहाँ पर दिखाने का प्रयास हुआ है। राष्ट्रीय कर्तव्य, हमारा राष्ट्रीय कर्तव्य क्या है इसकी भी उस दिन लोगों ने सही सही खून की कीमत पहचानी थी, जिस दिन सुभाष ने बर्मा में मांगी उनसे कुर्बानी थी, बोले स्वतंत्रता की खातिर बलिदान तुम्हें करना होगा, बहुत
तुम बहुत जी चुके हो जग में, लेकिन आगे मरना होगा। बोले स्वतंत्रता की खातिर बलिदान तुम्हें करना होगा। तुम बहुत जी चुके हो जग में, लेकिन आगे मरना होगा। यूं कहते कहते वक्ता की आंखों में खून उतर आया। मुख रक्त वर्ण हो दमक उठा, दम की उनकी रक्तिम काया। आजानो बाहू ऊंची करके वे बोले, रक्त मुझे देना, इसके बदले में भारत की आजादी तुम मुझसे लेना। हम देंगे देंगे खून, शब्द बस यही सुनाई देते थे। रण में जाने को युवक खड़े तैयार दिखाई देते थे। बोले सुभाष, इस तरह नहीं, बातों से मतलब सरता है। लो यह कागज है, कौन यहाँ आकर हस्ताक्षर करता है। सारी जनता हुंकार उठी, हम आते हैं हम आते हैं। माता के चरणों में यह लो, हम अपना रक्त चढ़ाते हैं। साहस से बड़े युवक उस दिन देखा बढ़ते ही जाते थे। चाकू छुरी कटारियों से अपना रक्त गिराते थे। फिर उसी रक्त की स्याही में वे अपने कलम डुबोते थे। आजादी के परवाने पर हस्ताक्षर करते जाते थे। उस दिन तारों ने देखा था हिंदुस्तानी विश्वास नया। उस दिन तारों ने देखा था हिंदुस्तानी विश्वास नया। जब लिखा था रणवीरों ने खून से अपना इतिहास नया। देखो बहुत ही अच्छी कविता गोपाल प्रसाद व्यास जी ने लिखी थी। और देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, यह कविता पढ़नी है और ये जो शब्दार्थ है वो आपको लिख कर लेने हैं। देखो एक बार यह शब्दार्थ, तो आज यह खूनी हस्ताक्षर हमारी जो कविता है, खूनी हस्ताक्षर यह जो कविता है यहाँ पर समाप्त होती है।